नमस्ते, मैं ऐच्छिक ब्यूरो की सदस्य मेंबर हूँ और यहाँ मैं ऐच्छिक ब्यूरो में हम सभी बैठते हैं और हम यहाँ के पारिवारिक झगड़ों को सुनते हैं। जो यहाँ पे पुलिस अधीक्षक के पास जो एप्लीकेशन जाती हैं वो यहाँ पे रेफ़र करते हैं, कुछ क्षेत्राधिकारी यानी सीओ के द्वारा यहाँ पे आते हैं और काफ़ी केस आते हैं। पहले तो बहुत आते थे, ये 2011 से गठित हुई है, ये संस्था बनाई हुई है और पहले बहुत अच्छा वर्क था, लेकिन अब केस कम हो गए जब से महिला थाना बना है, क्योंकि कुछ लोग महिला थाने में ज़्यादा जाना पसंद करने लग गए। लेकिन जितने भी एसपी सर के द्वारा और क्षेत्राधिकारी यानी हमारे सीओ के द्वारा यहाँ पे फाइलें आती हैं, पारिवारिक झगड़े सुने जाते हैं, जो हस्बैंड वाइफ के घरेलू झगड़े होते हैं उनकी हम सुनवाई करते हैं। हम यहाँ पर कुल 7 मेंबर हैं जो अपने अपने क्षेत्र से आए हुए हैं, अच्छे फील्ड से अच्छा वर्क कर रहे हैं। हम लोग सभी ये कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छे से आपसी समझौते से उनका रजामंदी हो जाए, जिससे वो एक अच्छा घरेलू पारिवारिक तौर से मिलकर अपना जीवन यापन करें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर राजेंद्र गोयल, शामली का रहने वाला हूँ। जब से हमारा ज़िला प्रबुद्ध नगर बना है, हम लोग इसमें तभी से मेंबर हैं। ये ऐच्छिक ब्यूरो है, इसके अंदर हम लोग समाज सेवा की दृष्टि से इसमें जुड़े हैं। इसका प्रमुख काम होता है हस्बैंड और वाइफ, उनका जब आपस में झगड़ा हो जाता है तो वो लोग अपनी कंप्लेंट पुलिस थाने में करते हैं। तो हमारे पास जो केस आते हैं वो या तो एसपी के द्वारा आते हैं या सीओ के द्वारा आते हैं, और हम लोग पब्लिक के आदमी हैं तो हमारा पूरा मंशा ये होता है, क्योंकि अननोन आदमी हमारे से आके अपना फैसला करवाना चाहते हैं, मुख्य उद्देश्य हमारा उस परिवार को जोड़ना है जिसकी शादी हुई है और उसमें दरार आ गई है। हम पूरा प्रयास करते हैं कि वो लोग जुड़े और जुड़ने के बाद अपना अच्छा जीवन व्यतीत करें, और करते हैं। हमें इसमें काफ़ी सफलता मिलती है और मिल रही है। इतने दिनों से हम लोग काम कर रहे हैं, निःशुल्क सेवा देते हैं, समाज सेवा की दृष्टि से लगे हुए हैं, और निश्चित रूप से और भी महिलाओं को और पुरुषों को इससे हमारी सेवा का लाभ उठाना चाहिए। ये सरकारी प्रोजेक्ट है, हमारा कोई पर्सनल प्रोजेक्ट नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम सुधीर कुमार है और मैं अपनी वाइफ को अपने साथ लेके जा रहा हूँ, जो किसी कारण नाराज़ हो गई थी, कुछ ऐसे हालात आ गए थे जिसके कारण वो थोड़ी सी अलग हो गई थी, और मैं भविष्य में अपनी पत्नी को ठीक से रखूँगा। हमारे दोनों के बीच में अगर कोई तीसरा आएगा तो उसका समाधान, उसकी शिकायत की जाएगी। बाकी मैं अपनी पत्नी से कोई शिकवा गिला नहीं है, ना ही कोई नाराज़गी है, और कोशिश यही करेंगे आगे भी अपना अच्छा जीवन यापन करें। मेरा नाम इंदु है जी, मैं अपने पति के साथ जाऊंगी, अपने बच्चे के साथ ठीक ठाक रहूँगी।